दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसका टाइटल था कि कीटनाशक दवाओं पर ईसी और एससी क्यों लिखा होता है और उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस वीडियो में कवर की गई थी। वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी मिला था, लेकिन उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई SL का क्या मतलब है, WP का क्या मतलब है, WG, DG का क्या मतलब होता है। तो मैंने सोचा कि सिंगल सिंगल रिप्लाई देने के बजाय पूरा एक वीडियो ही बना लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस के सारे कोड्स कवर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पेस्टिसाइड्स के सारे कोड्स को पूरा नाम यानी फुल फॉर्म के साथ बताया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पेस्टिसाइड्स के कोड्स को हम अल्फाबेटिकल सीरीज में लेंगे यानी ए से शुरू करेंगे और जेड तक। ओके, तो सबसे पहले आता है AB यानी ग्रेन बेट, जो चारे के रूप में जहर ही होता है, एग्जाम्पल के तौर पर चूहों को मारने वाली दवाई। उसके बाद AE, उसका फुल फॉर्म है एरोसेल डिस्पेंसर, एक ऐसा कंटेनर या उपकरण जिसका वाल्व दबाने पर अंदर भरा पदार्थ बारीक स्प्रे के रूप में बाहर आता है, एग्जाम्पल के तौर पर मच्छरों को मारने वाला हीट का कंटेनर। AL यानी अदर लिक्विड टू बी अप्लाइड अनडाइल्यूटेड। BB ब्लॉक बेट्स, यह भी चारे के रूप में जहर ही है लेकिन गोली या ब्लॉक के रूप में होता है। BR यानी ब्रिकेट, सक्रिय घटकों को पानी में घोलने के लिए बनाया गया ठोस पदार्थ या ब्लॉक्स। CB यानी बेट कॉन्सेंट्रेट, चारे के लिए प्रयोग करने से पहले उसे विभाजित करने के लिए ठोस या लिक्विड। CG यानी इनकैप्सुलेटेड ग्रेन्यूल, सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ दानेदार। CS कैप्सूल सस्पेंशन, जो सामान्य रूप से उपयोग से पहले पानी में विभाजित करने के इरादे से उपयोग। DC डिस्पर्सिबल कॉन्सेंट्रेट, लिक्विड की तैयारी के लिए उसे पतला करके पानी में फैलाने के लिए एक ठोस डिस्पर्शन। DP डस्टेबल पाउडर, छिड़काव के लिए पाउडर। DS यानी पाउडर फॉर ड्राई सीड ट्रीटमेंट। PC यानी इम्यूल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेट, पर्सीकरण जिसे प्रयोग से पहले पानी में डाइल्यूट करना होता है, इसी फॉर्म का सबसे ज्यादा उपयोग भी होता है। ED यानी इलेक्ट्रोचार्जेबल लिक्विड, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे के लिए तैयारी के तौर पर स्पेशल लिक्विड। EO इम्यूल्सन वाटर इन ऑयल। ES इम्यूल्सन फॉर सीड ट्रीटमेंट। EW इम्यूल्सन ऑयल इन वाटर। FD स्मोक टिन, जो स्पेशली धुआं निकालने के लिए होता है। FG फाइन ग्रेन्यूल। FK स्मोक कैंडल। FP स्मोक कार्ट्रिज, धुएं के लिए। FR स्मोक रॉडलेट, यह भी धुआं निकालने के लिए। FS फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट, स्टेबल सस्पेंशन जिसका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट या फिर विभाजित करके किया जाता है। FT यानी स्मोक टैबलेट। FU स्मोक जनरेटर। FW स्मोक पैलेट। GA यानी गैस। GB यानी ग्रेन्यूल बेट, चारे के लिए स्पेशल फॉर्म है। GE गैस जनरेटिंग प्रोडक्ट।
जी मैक्रोग्रेन्यूल, जीपी फ्लो डस्ट कांच के घरों में वायुवीय एप्लीकेशन के लिए अच्छा डस्टेबल पाउडर, जीआर यानी ग्रेन्यूअल डायरेक्ट प्रयोग के लिए दानेदार, जीएस ग्रीस तेल या गाढ़े लिक्विड पर आधारित, एचएन हॉट फॉगिंग कॉन्सेंट्रेट हॉट फॉगिंग इक्विपमेंट में डायरेक्ट या फिर डाइल्यूशन के बाद प्रयोग के लिए, KN कोल्ड फॉगिंग कॉन्सेंट्रेट कोल्ड फॉगिंग इक्विपमेंट में डायरेक्ट या फिर डाइल्यूशन के बाद प्रयोग के लिए, LA यानी लेकर एक द्रावक आधारित तैयारी के तौर पर, LS सॉल्यूशन फॉर सीड ट्रीटमेंट, MG माइक्रोग्रेन्यूल, OF ऑयल मिसिबल फ्लोएबल कार्बनिक लिक्विड के प्रयोग से पहले डाइल्यूशन के लिए तैयार गाढ़ा लिक्विड स्टेबल सस्पेंशन, OL ऑयल मिसिबल लिक्विड, OP ऑयल डिस्पर्सिबल पाउडर, PA यानी पेस्ट, PB प्लेट बेट चारे के लिए स्पेशल फॉर्म, PC जेल और पेस्ट कॉन्सेंट्रेट तैयारी के लिए सॉलिड जेल और पेस्ट जिसका पानी में डाइल्यूशन के बाद प्रयोग, PR प्लांट रोडलेट, PS सीड कोटेड विथ अ पेस्टिसाइड, RB यानी बेट रेडी फॉर यूज, SB स्क्रैप बेट चारे के लिए स्पेशल फॉर्म, SC सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट स्थिर सस्पेंशन के रूप में एक्टिव पदार्थ जिसे प्रयोग से पहले पानी में डाइल्यूट करना है, SE सस्पो इम्यूलेशन, SG वाटर सॉल्युएबल ग्रेन्यूल्स, SL सॉल्युएबल कॉन्सेंट्रेट एक समरूप लिक्विड तैयारी के लिए पानी के साथ सही रूप से मिलाने के लिए सक्रिय पदार्थ, SO स्प्रेडिंग ऑयल पानी के साथ सतह पर परत बनाने के लिए अप्लाई के लिए तैयार किया गया फॉर्म, SP वाटर सॉल्युएबल पाउडर पानी में घुलनशील पाउडर, SS यानी वाटर सॉल्युएबल पाउडर फॉर सीड ट्रीटमेंट स्पेशली सीड ट्रीटमेंट के लिए जिसे पानी में घोलकर सीड के ऊपर प्रयोग करना होता है, SU अल्ट्रा लो वॉल्यूम सस्पेंशन अल्ट्रा लो वॉल्यूम इक्विपमेंट से यूज करने के लिए तैयार सस्पेंशन, TB यानी टैबलेट, TP ट्रैकिंग पाउडर रोडेंटिसाइडल या कीटनाशक तैयारी के लिए पाउडर के रूप में कॉन्टैक्ट पाउडर, UL अल्ट्रा लो वॉल्यूम लिक्विड अल्ट्रा लो वॉल्यूम इक्विपमेंट से यूज करने के लिए तैयार लिक्विड, VP वेपर रिलीजिंग प्रोडक्ट, WG वाटर डिस्पर्सिबल प्रयोग से पहले दानों को पानी में फैलने के लिए तैयार दानेदार, WP वेटेबल पाउडर रेडी पाउडर जो पानी में मिलाने पर घुस जाता है, WS वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर फॉर स्लरी सीड ट्रीटमेंट, XX यानी अधर्स, ZC अ मिक्स्ड फॉर्मुलेशन ऑफ CS एंड SC यानी CS और SC का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन, ZE अ मिक्स्ड हेटरोजेनियस फॉर्मुलेशन ऑफ CS एंड SE, ZW अ मिक्स्ड हेटरोजेनियस फॉर्मुलेशन ऑफ CS एंड EW। तो इनमें से सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले कोड्स कौन से हैं? तो नाम आएगा EC, SC, WP, WG, SP और SL का। तो यही थी जानकारी पेस्टिसाइड्स के कोड्स और उसके फुल फॉर्म यानी पूरे नाम के बारे में। आई होप कि यह जानकारी हर किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर देते जाइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय किसान, जय हिंद।